भादवी छठ के अवसर पर लोक देवता देवनारायण भगवान के नीले घोड़े के अवतरण दिवस पर जहाजपुर क्षेत्र में कोटड़ी में एक समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान दोपहर बाद चारभुजा नाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महंत सुरेश दास और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर शामिल हुए थे। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने राजस्थान पुलिस को खुले शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। गुर्जर ने कहा कि अगर मैंने जंप लगा लिया तो सबको धरती के अंदर गाड़ दूंगा, मेरे कार्यकर्ता की बाइक पकड़ी तो मेरा जूता बात करेगा। कोटड़ी में आयोजित 56 भोग समारोह के बाद धीरज गुर्जर ने राजस्थान पुलिस को टारगेट करते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो गुर्जर लिखी गाड़ी को पकड़े और थाने में डाले। कोटड़ी, पारोली और आसपास के थानेदारों को भी टारगेट करते हुए गुर्जर ने ये विवादित टिप्पणी की है। आपको बता दें कि धीरज गुर्जर के इस बयान को लेकर अब विवाद गर्माता हुआ दिख रहा है। जहाजपुर से आजाद नेक की रिपोर्ट। और आपका विश्वास दे रहा हूं, आजकल ये कोटड़ी पारोली थाने बड़े का थानेदार के हुए कभी मोटरसाइकिल के पास गुजर लिखित को वहां थाने में बंद कर दीजिए। वहां धीरे धीरे चैलेंज कर रही है कि धीरे धीरे को जर्मो बात कर रही हो, अगर महाराष्ट्र कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल का हाथ लगा लीजिए। यह लड़ाई